और दोस्तों एक बात बताएं, जो ये घर है ना जहाँ से हमने पालक अलग मेथी लिया ना, वो आंटी चली गई है, पैसे लेने का नाम नहीं ले रही है। अब मेरा मन कर रहा है ऐसी चली जाऊं या पैसे देके। अगर ऐसी चली गई आंटी दोबारा नहीं आने देंगी, बहुत सुनाएंगी उल्टा सीधा, फैलेंगी हम। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, बने रहिए। और दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा प्यारा है, आप लोग देखिए और बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा मतलब गांव की साइड इधर मतलब सब्जी करते हैं वो लोग, मैं उधर आई हूँ। और दोस्तों आप लोग देखिए बहुत ज़्यादा प्यारा प्यारा, उन लोगों से मैंने बात की है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उन लोगों से बात करके। और हम प्लस वहाँ से सब्जी भी खरीदी है मैंने। और ये रही आंटी, सकते हो दीक्षा आंटी से बात कर रही है, बोल रही है तुम्हें डर नहीं लगता है यहाँ पर रहती हो अकेले में? इस पागल को पूछो अपने घर में किसको डर लगता है। और आंटी बहुत अच्छे से बात कर रही है और कह रही है उधर मेथी भी मोल बिचती है, हमारा ये वाला खेत नहीं है, यहाँ पे मेथी नहीं बिचती है। और बहुत अच्छा लग रहा है, प्याज हर सब्जी एकदम बहुत अच्छा लग रहा है इधर। हमारे यहाँ तो कभी ऐसे नहीं होते, हमारे यहाँ खेत में आलू सब्जी नहीं करते, खैर आलू और ये लहसुन प्याज करते जो भी करते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम हरा भरा है। दीक्षा कह रही मैं आंटी से बात कर रही हूँ तुम जाओ, और अब भेज दिया मुझे, देखो वहीं बैठ गई जाके, हमें लग रहा है बैठ गई है जाके। दोस्तों दिखा सकते हैं आप लोगों को, देखिए देखिए दोस्तों बैठी हुई है पागल, बैठ गई है दोस्तों, पागल है ये गाँव तो है आंटी, मतलब सॉरी आंटी तुम रहने वाले कहाँ की हो? तुम यहाँ पे किराए पे रहती हो? क्यों? मेरी नन सारे दातागंज में, मेरी मम्मी दातागंज की है, हमारी यहाँ बोरी में नन सार वो बनाई हुई है, दातागंज ना मेरी नन सारे खेती लाए हैं, मतलब पैसा रुपए कितने रुपए देते हैं, कितने रुपए देते हैं? 8,000 रुपए देते हैं एक बीघा, तुम ही करोगी? हाँ ये तो सही कह रही हो, इधर हुए हैं देख सकते हो आप। मैं आज पहली बार आई हूँ इन लोगों के पास और इनसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे सब्जी सब्जी है, सब्जी के अलावा मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, जिधर जाओ उधर सब्जी, जिधर जाओ उधर सब्जी, एकदम बहुत अच्छा लग रहा। मैं सोची एक ही दो मतलब यहाँ पे घर बने, और घर तो काफ़ी बने इधर को, मैं देखी तो घर उधर भी बने इधर भी बने, बहुत अच्छा लग रहा है एकदम बिल्कुल पास में ही। और अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे, वहाँ तो कहाँ बिल्डिंग पर लटके रहो एक ही जगह। और मुझे तो यार मेरा मन कर रहा है यहाँ पे ही आ जाऊँ वहाँ छोड़ के, यहाँ थोड़ा सस्ता सस्ते में क्या, एकदम शुद्ध वातावरण, एकदम खुली हवा मिलेगी, किसी बात की प्रॉब्लम नहीं होगी यार, पानी भी है नल। और दोस्तों चूल्हा जो गांव में यहाँ पे भी बनाया है, कितना अच्छा प्यारा सा चूल्हा है सच में दोस्तों। मुझे यहाँ पे गोभी है, टमाटर है, धनिया है, हर चीज़ है यहाँ पे, ये भगवान ही गाड़ दिया उसमें खेत में, बाल्टी है कि भगवान, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं है क्या। और इधर छोटा सा नल लगा हुआ है, किसी बात की प्रॉब्लम नहीं है वैसे, टिलुलु पानी की दिक्कत नहीं है, नहीं नल लगा नहीं है, नल रख दिया ऐसे ही, अच्छे से झोपड़ी बनाई हुई है बहुत बढ़िया से। बता रही है कि हमें 10 साल हो गया यहाँ पर रहते हुए, और कह रही तुम लोग बीमार हो जाते हो गए वहाँ, मैं हम लोग नहीं बीमार होते, यहाँ शुद्ध हवा मिलती है, किस बात की दिक्कत। और एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, ये क्या खड़ा है यहाँ पर, ये प्याज कैसे लगाते हैं यहाँ पे, ऐसे लगाते हैं, हमारे यहाँ ऐसे नहीं लगाते हैं जैसे यहाँ पे लगाई है। और ये केला का पेड़, केला है ना, केला ही है शायद, हमारी समझ में तो केला है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना क्या है, केला ही है। और ये छोटी सी गाड़ी खड़ी हुई है, इसको लेके चलूँ, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों हमें तो। सब्जी की बात कर रही थी, लेकिन यहाँ फिलहाल में तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमें अभी न्यू दिख रही हैं, यहाँ सेमी लगी है, क्या लगा है ये भिंडी का इतना पेड़, भिंडी पहले मतलब तोड़ ली और मतलब यूज कर ली, सब्जी बेच भी ली भिंडी की, और भिंडी के जो पेड़ होते हैं ना उसको रख लिया रोटी बनाने के लिए दोस्तों, देखो ये इतना इकट्ठा कर लिया इधर। और इधर ये सेमी लगी हुई है, यहाँ पर सेमी लगती है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं दोस्तों कमेंट करके बताना, हम तो सेमी बोलते हैं इनको, जो मार्केट में भी मिलती हैं बहुत अच्छे से। और ये लकड़ी अच्छे से सुखा रहे हैं ये लोग खाना बनाने के लिए, थे ये लोग इन्हीं से खाना मतलब पकाते हैं, और इन्हें वो लकड़ियों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे,
ये झोपड़ी टूट गई है, इधर से पानी आनी भी चला जाता होगा, अंदर ही बर्तन धुल लेती है, इधर से ही निकल जाता पानी। मैं इधर से निकल जाऊं, निकलने का रास्ता है? निकलने का रास्ता तो नहीं है, छोटा सा पेड़ खड़ा कर लिया, आगे चल के बड़ा हो जाएगा। और ये मशीन खड़ी है एकदम गांव की तरह, बिल्कुल बढ़िया से झोपड़ी बनाई है, दरवाजा देखो, सोने की व्यवस्था अच्छे से कर ली है। ये बच्चे खेल रहे हैं सामने दोस्तों, और छोटी सी भैंस भी है इनके पास, जानवर भी रखते हैं लोग। दीक्षा चलूं? दीक्षा और सुन ही नहीं रही, इतनी पंग गई वो मेरी बात तो सुन ही नहीं रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। और छोटू आजा आजा इधर आ, इधर आ, शर्मा गया, क्यों शर्मा, इधर आना। नाम क्या है तुम्हारा, क्या नाम है, है बाबू? और छोटू क्या नाम है? हिमांशु। हिमांशु तुम्हारा नाम क्या है? बाबू नाम है बाबू। मुझे भी दे दो साइकिल चलाने के लिए, मुझे दोगे? नहीं दोगे? आंख बंद हो गई इसकी टोपा से। ये कितने दिन की है, मतलब 25 तारीख पल हो जाएगी, पूरे एक महीने। अभी छोटी सी है यार, लिख दी थी, कैसे देख रही है एकदम। अब बाबू देख रही, दीचा तुझे देख रही है। डर डर के तो आए थे। अब मैं समझ रही थी इधर लोकल के लोग रह रहे हैं, जी अपनी तरह रहते हैं, मतलब इन लोग जैसे और ये लोग हैं। हमें जात बात तक, जात से मुझे कोई नफरत नहीं, मैं जात नहीं मानती हूँ, मैं इंसान है बस। मैं कभी जात ऐसे, मैं कंपनी में काम कर, मैं इंसान है ना बस, सब भगवान के है, कोई किसी का नहीं। यहाँ के जात बना ली हम लोगों ने आके, बस मैं नहीं मानती हूँ। हाँ फीस तो लगेगी, गांव में पढ़ाओगे तभी फीस लगेगी। बच्चे बहुत ज्यादा झुक गए, मैं जिसमें खेल रहे हैं छोटे छोटे, ये सब लोग जा कहाँ रहे, इधर खेल ही रहे लोग। देख सकते हो मैं इधर आई थी ब्लॉगिंग करने के लिए, इधर हमारी दीचा सब्जी भी खरीदेगी और आंटी के यहाँ पे, और बहुत अच्छी आंटी मिली हमें। बहुत सारे लोग आए हैं, हम लोगों को देखने आए हैं नहीं, हम लोग घूमने फिरने वाले हैं। और छोटू भरोसा ना करो दीक्षा को, कहाँ लेके आए, इसीलिए हाँ चलो चलो आंटी चल रहे, चलो कहाँ पे है वे, दही ला के दे देंगी ना। अरे हम आंटी के पास जाएंगे, इधर ही तुम्हारे पीछे चले, पीछे पीछे चलो। चल रहे हम जैसे कि दोस्तों भैंसिया ना ऐसे मारो ना तो पटक गए, जा रहे हैं हम आंटी के साथ, आंटी के घर पे, आंटी अपने घर पे ले जा रही है मुझे, नहीं ले जा रही लेकिन हम जबरदस्ती जा रहे हैं। बोली पर लेकिन मम्मी इतने बेसरम है, कहीं आंटी कम ले आई मेथी तो पालक, इसलिए मैं जा रही देख ला। और अच्छा चलो चलते हैं हम। अरे आंटी तुम्हारी है ये गोभी वोभी? अच्छा पूरा एकदम गोभी गोभी खड़ी है इतने बीच में, ए, हमारे यहाँ नहीं होती है। मैं तो पहली बार देख रही हूँ ये, बहुत अच्छी लग, हाँ बना दूंगी टेंशन मत ले, चल रहा है। बहुत प्यारा प्यारा लगता है, चलते हैं मैं आंटी के घर पे। और ये पौना पड़ो है ना, ज्यादा बोली ना तो जी तुम्हारे सिर में दिए खींच के, सच में यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा, काफी सब लोगों से मिलके, और सारे लोग एकदम खुश हैं, एकदम सब लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। हम साइकिल चले हैं जवाली, अब की बात ए छोटू साइकिल दोगे मुझे? नहीं। मना कर दिया यार इन्होंने तो, कोई बात नहीं हम साइकिल चला के दीक्षा को पहली पटक मारे, अगर छोटू ने मैं साइकिल दे दी ना तो दीक्षा को पहले उड़ाऊं। ये तो धनिया जहाँ तक लगे हैं, धनिया है ये घास है। ऐसे तो धनिया दिख रहे हैं हर जगह। आ चुके हैं हम फाइनली गांव में, आंटी के घर पे, ये है आंटी का घर। यार आजादी तो यही पे है,
यार बहुत अच्छा लग रहा है, कसम से एक वीडियो बना दे आप भी। आंटी तुम्हारे तो बहुत बड़े बहुत जगह है इधर, ये सारे तुम सुबह शाम तक खेत में मिट्टी हो जाते हैं। यही तो सही है, शुद्ध वातावरण में तुम रह रही हो। सही अब का लेंगी, मैंने बताऊंगी कि नहीं। पालक मेथी तीनों चीज, हाँ इन्हें तीनों चीजें दो हमें बस, वो दे दियो सरसों पालक मेथी सरसों को क्या करेंगे तुम? सरसों ना, मैं पालक मेथी ले रही हूँ। पालक मेथी दे दो हमें, तो कंफ्यूज कर रही है मेरे को। जाए भाई जाओ, लड़की बेचारी की निकाल के आ रही है। आ जाओ तुम भी कुछ बोल दो, आ जाओ आ जाओ। कहाँ जा कहाँ रही है लोग? तो मार्केट जा रही है। इसे रो रहा है, क्या मांग रहे छोटू? ये सपड़ी, ये हमें नहीं पता मैं टंगी थी। ए, ले आते यार। समोसे के लिए लड़ रहे? अरे हम दीक्षा का किसी दिन हम भी लड़ते थे यार समोसा के लिए। कहीं काट रही है हमारे लिए पालक, हम यहाँ से ले जाएंगे। ये अच्छा पालक है बहुत ज्यादा। 20 दिन में ए आंटी, ये कहाँ से लाती हो तुम? ये किसका बनाती हो? ये मोल लेती हो? ये क्या बोलते हैं इसको? पटेरो बोलते हैं। तो आपको कितना मिलता है? एक गड्डी गड्डी मिलता होगा ना? 10 रुपया गड्डी दे तो बिल्कुल। अरे भैया छोटी चोट लग जाएगी यार, चोट लग जाएगी। तो कल देखा जाएगा, आज ऐसा कह रही है खाना लेके जाएंगे कल। अभी तो कल से बढ़ते हैं। हाँ अभी से ज्यादा टेंशन है, कल खाना लेके जाएंगे। वो खाने की बहुत टेंशन रहती है आंटी, वो बहुत भूख लगती है। मर जाओ तुम, भूख लगत तुम्हें ज्यादा तो। दीक्षा तुझे कैसा लग रहा है इधर? मेरे जान को मन ना कर रहा घर पे। भगा देंगी आंटी, बोलेंगी तुम यहाँ डेली डेली आ जाती हो। कहाँ की रहने वाली हो? देख सकते हो आप, आंटी ने पालक तो काट दिया, उधर मैं मेथी भी लूंगी, एक गड्डी मेथी लूंगी। काफी अच्छी है एकदम। ये कितने दिन में हो जाती है आंटी? एक महीने में। और मैं सोच रही आंटी आप काटो उससे करोगी ऐसे दराती से काटोगी, उखाड़ दोगे ये तो दोबारा। तुम जो पैसे बिन लो ना देती सब्जी वन में बिन बेचे दे करो सब्जी वन में। सब्जी वन सब्जी में ही ले जा, पुस्ता पे ले जा, लगाड को बेचन को ले जा। हां ऐसे थोड़ा यहां कौन आता होगा, अपन तुम तो आ गए हैं। ना ले यार पूरी है। हां ऐसे ले जा 200 गड्डी ले जा, 100 गड्डी ले जा, तुम कल दूसरे को खेत कर लेंगे। हां जमा पे कर दे, बड़ी मेहनत लगी और का जा सुबह शाम तक ऐसे लागे रे। मेहनत तो है यार, ऐसे तो रो जाता। मैंने ले ली, तू कितनी ले रही तू बता? मैं 700 लूंगी। आंटी परेशान मत, मैं काट लूंगी जाके, रहने दो रहने दो तुम, मैं काट लूंगी घर पे जाके। आज सोया मत डालियो, मना मने करती है दीदी से। बना ले। अच्छा तुम भी बनाओगी? फाइनली तो हमें सब्जी मिल चुकी है और हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से, और दीक्षा का जाने का मन नहीं हो रहा है। अपनी मम्मी को बुला ले, खाम खाम में तुझे मैंने पैसे दे दिए ना, तो तू दुकान पर खा लिया। हमें दोबारा आन के लायक ना है आंटी, हमें बहुत कहें कहें तुम पैसा ना देके गई दोबारा, ताकि वजह से अपनी मम्मी को बुला ले भैया। हम तो रोज बाजार करते हैं। अरे तू रोज करते हो, कहीं मैं पैसा देगी तूने खा लिया तो? हाँ अरे बाबू छोटू छोटू बाबू कैसे खेल रहा है? खेलो 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 खेलो। अरे और ये देखो भैया से मैंने इतनी विनती करी, मुझे साइकिल दे दो साइकिल दे दो, नहीं दे रहे हैं। अरे बाबू छोटी ये देखो गेट पे लटक के खेल रही है यार, उसने बंद कर लिया अपना गेट। चोट लग जाएगी छोटू, चोट लग जाएगी। फाइनली दोस्तों मैं जाने का मन नहीं है, क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं? ये देखो साग ही खाए, वो सरसों ही खाए जा रही है, इन्हें तो कुछ मिले उल्टा सीधा लीलने के लिए बस। आज पता मैं वीडियो बनाते तो गिर गई, वही वीडियो ने अपलोड कर दी इंस्टाग्राम। बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग दोस्तों। और दोस्तों एक बात बताएं, जो ये घर है ना जहाँ से हमने पालक अलग मेथी मेथी लिया ना, वो आंटी चली गई है, पैसे लेने का नाम नहीं ले रही है। अब मेरा मन कर रहा है ऐसी चली जाऊं या पैसे देके। अगर ऐसी चली गई आंटी दोबारा नहीं आने देंगी, बहुत सुनाएंगी उल्टा सीधा, फेलेंगी हम तो। बेटा बुला ला मम्मी।
अरे भैया यहाँ के जानवरों देख कैसे ध्यान से देख रहे हैं। बेटा बुला ला मम्मी है। हम मैं नहीं बुला ला बुला खिला तो बिल्कुल विश्वास ना आया हो कहो को पैसा दे दे और दीचा करी उन्हें दिए आगे आगे जा रही है। सही कह रही हो कुछ रहता ना गो दीचा फोन ऑन लेके आई हो अपना। ये आंटी आंटी सच में पानी लगा रही है खेत में। आंटी को पैसा तू दे दिए तेरे पास चेंज तो है ना फिर दे दिए फिर कभी आ जाइए 50 दे दिए मेरे पास 85 रुपया तो है तुम्हारे देंगे। देखो दोस्तों आंटी पानी आंटी पानी लगा रही है खेत में और इनके पास मुझे जाना है अभी पहुंची जा रही है हम लोग जय गोलगप्पे पड़ी तो सब्जी दिलवा दी ना बात खत्म की गोलगप्पे सब्जी का 10 रुपए दिलवा दी भाई बहुत है पेड़े लगा रही गोभी लगा रही गोभी गोभी लगा रही आंटी पौध करी हुई है ना कहीं पे मत कर दियो मेरे बस साइड से बह जा रहे छोटू पीछे पीछे साइकिल लेके आ रहा है पच्चीस की फिर उतना फिर कभी आएंगे आंटी तब ले लेंगे ठीक है ले लो इधर से कहाँ जाएंगे छोटो इधर से निकल आजा अच्छा इधर से रोड है रास्ता है इधर से निकलने के लिए हम लोग इधर से निकल जाएंगे सही कह रहे हैं बच्चा तो खेलते रहते हैं तो इनका नहाने का कोई टाइम नहीं होता है इतनी सब्जी लाए और शायद जब तक मैं पहुंचूं रूम तक तब तक पूरी खत्म ना कर दे ऐसे नीले जा रही हो आज साग बनेगा भैया आज बनाओ कल बनाओ ये इनकी सब्जी बनते है का इनकी बंद गोभी बंद गोभी और का आंटी एक मिनट पपीता इधर से निकलूं इधर से निकल ले चले दोस्तों हैं दोस्तों जहाँ लुढ़के हुए थे हम फिर वापस जा रहे हैं अपने घर के लिए और दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त और दीक्षा इधर आ इधर पीछे कुछ बोल हमारे दोस्तों से अब आज का ब्लॉग कैसा रहा हमें बहुत शर्म आ रही है वीडियो डाल दी तो शर्म आ रही तो अपना मुंह ढक ले शर्म आ रही हमारी वीडियो डिलीट करो तब हम बोले हैं तू चाहे मुझे छोड़ दे मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगी बस गुस्सा तुम्हारे दोस्तों तो गुस्सा अरे ना यार मैं हमारी वीडियो लाइक करा हम बहुत गुस्सा ठीक है कर दूंगी दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त हो दोस्तों बहुत अच्छा लगा बहुत तो प्यारा प्यारा लगा और दीक्षा ने आज मेरी किस्मत खोल दी खेत में जाके मजा आ गया यार गांव वाली फीलिंग आ रही थी पूरी पूरी मजा तो आओ जीवा भैया बहुत एंजॉय करो हम लोगों ने दोस्तों पर ब्लॉग हमारा जरूर लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना दोस्तों और कमेंट करके जरूर बताना मेरी वीडियो पर लाइक मत दियो जहाँ पे जरूर दियो और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कैसा रहा हमारा ब्लॉग ठीक है दोस्तों मिलते हैं फिर बाय बाय बाय।